हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स, जी हाँ दोस्तों, मैंने ये मूवी को देख लिया। मूवी नहीं, मतलब कि मैं ये सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे देश में जो इस सच्चाई को छिपाई गई थी, और सबसे पहले तो इनको मैं सल्यूट करूँगा, अतुल अग्निहोत्री जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस मूवी को बनाया है और डायरेक्शन किया है। लाजवाब, रियल बता रहा हूँ, रोंगटे ना रोंगटे, कुछ कुछ सीन्स पे ना रोंगटे खड़े हो गए। और लास्ट का जो क्लाइमैक्स है ना, 10 से 15 मिनट, मतलब कि यार रियल बता रहा हूँ ना, मैं वो सीन्स को देख ही नहीं पाया। मतलब कि मेरे आंखें अपने आप बंद हो गई। पूरी हिंदुस्तानी को ये मूवी देखना चाहिए। इसमें जितने भी करेक्टर हैं, अनुपम खेर सर, मिथुन चक्रवर्ती, बाकी के जो भी रोल को प्ले कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ये करेक्टर को महसूस किया। मतलब कि आप देखने के बाद ऐसा लगेगा ना कि उन्होंने इस जिंदगी को जिया है, रोल प्ले करने के हिसाब से। रियल बता रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ ना कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस मूवी के बारे में कि किस तरीके से दिखाया गया यार। मतलब कि शरीर कांप उठा एक हर एक सीन्स पे, थर थराने लगोगे आप कुछ ऐसे सीन्स हैं देखने के बाद। देख रहे हो ना आप, मेरे जो मुंह से ना बोली तक नहीं निकल रहा है अभी, क्या मैं बोलूँ इस मूवी के बारे में आप लोगों से। बहुत अच्छी तरीके से अतुल अग्निहोत्री ने इस सच्चाई को दिखाया गया है, जो कि यार 25-30 साल से इस सच्चाई को हम लोगों से छिपाया गया था, पूरी हिंदुस्तानी से छिपाया गया था। 130 करोड़ हमारे देश की आबादी है, सभी को इस मूवी को देखना चाहिए आपको। और आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि कश्मीरी पंडित पर क्या अत्याचार हुआ, किस तरीके से अत्याचार हुआ, क्योंकि यार मतलब कि बहुत ज़रूरी है। हमारा देश हिंदुस्तान, जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि सोने का चिड़िया कहा जाता है हमारे देश को, और इस सोने की चिड़िया का दुश्मन बहुत है हमारे देश में ही रह के, देश में ही रह के देश की बजाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं हमारे देश में। तो दोस्तों, बहुत अगर इस रेटिंग सब बढ़े तो मैं इस मूवी की रेटिंग क्या बताऊँ मैं आपको, ये मूवी की रेटिंग बनता नहीं, क्योंकि इस मूवी की जितनी भी रेटिंग है ना सब दे दो, कोई स्टार नहीं, आसमान का स्टार भी कम पड़ेगा इस मूवी के लिए, रियल बता रहा हूँ। तो सुपर है दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग आओ, घर से फैमिली लेके आओ और इस मूवी को देखो। तो बस भाई, इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।